वर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर। खर्चा ही है एक तरीके से ही एक्सपेंडिचर। अगर मैं एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करूं तो ये खर्चा है, पर खर्चा वर्ड बोलना ठीक नहीं है, अभी नहीं बोलूंगा। ये तीन तरीके का होता है। तीन तरीके का, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और थर्ड है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो थर्ड मैं बता रहा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीन तरीके के खर्चे हैं, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन या जो भी आपके एग्जाम में आता है आने के चांसेस बहुत प्रोबेबिलिटी है। जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको पता होगा, 11th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था ये, और अब भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाँ सर, हमें कुछ कुछ तो याद है। चलिए देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं समझाता हूँ। पहले एक मेरा छोटा सा एक प्रॉब्लम कंफ्यूजन है, वो दूर करना। मैं एक यहाँ पे डेटा बनाता हूँ, फर्स्ट क्लास याद करो, क्या ये अकाउंटिंग करने का फॉर्मेट है? जी सर, यही तो अकाउंटिंग करने का सिग्निफिकेंट मैनर था। याद आया क्या? हाँ सर, हम कैसे भूल सकते हैं, याद आ गया। पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर, और यहां पे मैं लिखता हूं इनकम, एंड या मैं लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट पूरा ही लिख देते हैं, चलो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बस अभी समझो, अकाउंट नाम पे ना जाओ। इस साइड जो है ना, पर्टिकुलर के इस साइड सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस। अच्छा सर, सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, हाँ जी। और इस साइड सारा का सारा इनकम, सर सारा इनकम, बिल्कुल सारा इनकम। कुछ एग्जांपल आप बताओ, सैलरी मैं अपने वर्कर को दूंगा तो खर्चा या इनकम? सर खर्चा। और एक और पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर देखते हैं। अब मैं बनाऊंगा सुना सुनाया नाम, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं है, और यह है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, क्या याद आया? इसमें क्या होता है? इस साइड लाइबिलिटी, इस साइड एसेट, अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लाइबिलिटी पूरा लिख दूं, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो मैं खर्चे की बात करूं, सैलरी दूंगा अपने वर्कर को, इधर लिखूंगा मान लो 1000 रुपए का। रेंट दूंगा, इधर लिखूंगा 200 रुपए। रेंट लूंगा तो खर्चा है क्या? नहीं, इनकम है सर, इधर लिखूंगा रेंट रिसीव 1000 रुपए। स्टेशनरी का खर्चा, इधर लिखूंगा 500 रुपए। मेरा पैसा डूब गया, खर्चा है बैड डेट्स 100 रुपए। मैंने सेल किया है, इनकम है भाई सेल्स 3000 रुपए। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इधर आएगा इंटरेस्ट रिसीव 1000 रुपए।
डिस्काउंट दे दिया इधर आएगा, बताओ कौन सा वाला डिस्काउंट आएगा? सर ये तो ट्रेड डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, कैश डिस्काउंट, ये खर्चा है, ये खर्चा है। बिजली का बिल, बिल्कुल यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 रुपए, वाटर बिल, सारे खर्चे यहां। सर आप कुछ भूल रहे हो, क्या भूल रहा हूं बताओ मुझे, आज आज आप बता ही दो मैं क्या भूल रहा हूं। सर अगर आप फर्नीचर खरीदोगे वो भी तो खर्चा है, बिल्कुल खर्चा है, मैं मना नहीं कर रहा, तो फर्नीचर को भी यहां लिखेंगे? नहीं, इस साइड जो खर्चे लिखे गए हैं इसका बेनिफिट देखो, आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो विद इन 1 ईयर मिलेगा। सर ये क्या कह रहे हो, मतलब आप सैलरी पेड करोगे तो क्या उससे 10 साल काम करवा लोगे? नहीं सर, रेंट पेड करोगे तो 1 महीने का ही होगा, स्टेशनरी पेड करोगे तो खत्म हो जाएगा, बेड डेट्स खत्म हो जाएगा, और सेम ऐसे इनकम ये कुछ टाइम का होता है। फर्नीचर बोलते हो तो बिल्कुल फर्नीचर लिखा जाएगा, लेकिन फर्नीचर हमारा होगा एसेट में। अच्छा, फर्नीचर एसेट्स, बिल्डिंग यहां नहीं आएगा, बिल्डिंग सालों साल चलने वाला है खर्चा, वो इधर आएगा, ये भी खर्चा ही है बिल्डिंग, तो सर एसेट्स क्यों बोल रहे हो, खर्चा ही बोलो ना, 1 लाख रुपए। इसके बाद और क्या खर्चा है सर? मशीनरी, हां जी 20,000 रुपए, ये खर्चा इधर है। अच्छा, लाइबिलिटी में बैंक से लोन लिया, देखो यहां से भी पैसे रिसीव हो रहा है, रेंट से भी, सेल से भी, लोन लेंगे तब भी पैसे रिसीव होगा, तो लोन जो होगा वो लाइबिलिटी होगा, क्योंकि बाद में रिटर्न भी करना है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव करके क्या रिटर्न करना है, सेल्स करके क्या रिटर्न करना, नहीं करना, लोन मान लेते हैं 20,000। और एक चीज लिख देता हूं बस यहाँ पे, कैपिटल 1 लाख रुपए, पूंजी लाइबिलिटी में आता है, अभी क्यों आता है स्टार बाद में करेंगे। चलिए, आपको पता होना चाहिए हमेशा कि हमेशा ये दोनों बराबर होगा, अगर यहाँ पे हमारा जो भी अमाउंट आता है, जैसे कि देखो 1,20,000 और 22,000, चलो 2,000 का हम आउटस्टैंडिंग रेंट भी कर देते हैं, बताया था ना लाइबिलिटी है 2,000, तो ये आ गया 1,22,000 और इसका टोटल आ गया 1,22,000। तो हमेशा याद रखें कि दोनों का टोटल क्या होता है हमारा, सेम होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां इसका टोटल करके माइनस प्लस करके निकालेंगे, यहां क्या होगा, यहां पे होगा 3 और 1 4 और 1 5, ज्यादा इधर है, 5,000 लिखेंगे और 5,000 में से माइनस करेंगे 200, 500, 700, 800, 5, 1,300, 13 और 2, 1,500, 10, 2,500, तो आया हमारा 2,500, तो इधर इनकम और इधर माइनस करेंगे 2,500, तो इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, आगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे नेट प्रॉफिट। सर क्यों टाइम खराब कर रहे हो ये सारी बातें बता के? बिल्कुल, अब हमारा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब है पेमेंट, पेमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी को पैसे देते हैं तो पेमेंट है, तो पेमेंट यहाँ दो प्रकार के हैं, कुछ पेमेंट आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल, इसको ही बिल्कुल अलग से लेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, पेमेंट वो पेमेंट किया जाता है जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिले, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको कितने टाइम में मिले, 1 ईयर से मोर देन मिले, मोर देन 1 ईयर मिले, ठीक है। अच्छा सर, और दूसरा भी कोई बात बतानी है? हाँ बिल्कुल, तो जो यहां पे एक्सपेंडिचर है इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो यहां पे ये खर्चे हैं इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये तो बड़ा ही आसान हो गया हमारे लिए समझने, तो ये है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सर आपने तो आज हमें समझा दिया, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और कोई अंतर बताइए? बिल्कुल, इससे आपको इनकम जनरेट होगा, हर साल फर्नीचर या बिल्डिंग या इससे इनकम कमाओगे, इससे कोई इनकम नहीं कमाओगे। और भी सर, हाँ ये हमारा इकोनॉमी बेनिफिट देगा और ये हमारा इकोनॉमी बेनिफिट नहीं देगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसको एक बार समझते हैं।
जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका फायदा हमें विद इन अ 1 ईयर होता है और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं। तो ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है ये हम करेंगे थोड़े टाइम बाद कॉन्सेप्ट में करेंगे। तो इस साइड को डेबिट बोलते हैं और इस साइड को क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। डेबिट कर दिया जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है और इसे हमें बेनिफिट 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलता है और इसको हम इकोनॉमी बेनिफिट भी रिसीव करते हैं। चलिए और एग्जांपल दो ना सर, और कुछ बताओ ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने एक लैंड खरीदा, जमीन खरीदा, बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है? सोचो। बिल्कुल सही जवाब, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने क्या करा, मैंने अकाउंटेंट को सैलरी दिया, बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है? सैलरी भी खर्चा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल ठीक। और एग्जांपल लो सर, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फोन, इसका यूज कब तक करूंगा मेरा मोबाइल फोन, बताओ। सर इसका तो 1 साल से ज्यादा चला लोगे आप। बिल्कुल, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं आपको नोट्स दूंगा, मेरे पास देखो नोट्स हैं ये, तो आपको जो नोट्स वगैरह मैं मेरे द्वारा दिए जाएंगे, ये नोट्स कौन सा एक्सपेंडिचर है? सर ये तो बस हम पढ़ के फेंक देंगे और आपका ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, खर्चा तो हो ही गया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मार्कर का खर्चा, सर ये मार्कर बस 1 घंटे चलाता हूं मैं, तो इसका खर्चा कौन सा खर्चा माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा ये व्हाइट बोर्ड मेरा, ये तो मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ व्हाइट बोर्ड, पता नहीं कब से चला रहा हूं मैं इसको, तो ये कौन सा खर्चा है? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बता के इन दोनों की मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है चलिए देखते हैं। मान लो आपने एक इंटरेस्टिंग बात और देखते हैं। मान लो आपने एक बिल्डिंग खरीदा 10 लाख का, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को बना बनाया बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग को खरीदने के बाद इसको खरीदते ही आपने इस पे रिपेयर करवाया 2,000 रुपए। रिपेयर के बाद आपने इस बिल्डिंग के एक फ्लोर और बनवा दिया, और रिपेयर जब करवाया तो वहां पे रिपेयर का तो खर्चा हुआ और वर्कर को आपने वहां पे वेजेस भी पेड किया। वेजेस क्या होता है सर? सब बताएंगे, चिंता मत करो, सैलरी कहीं जैसा होता है। वेजेस पेड किया 1,000 रुपए का, तो आप मुझे बताना वेजिस का बेनिफिट कब तक लोगे? सर इसका बेनिफिट तो 1 साल से कम के लिए लेंगे, रिपेयर का भी 1 साल से कम के लिए भी और ज्यादा के लिए। तो ये दोनों खर्चे इस बिल्डिंग को खरीदते के टाइम पे करवाया गया है, तो ये जब खरीदते टाइम पे कोई भी खर्चा होगा ना, ध्यान से सुनना, जब किसी एसेट्स को खरीदते टाइम पे कोई भी खर्चा करोगे ना, चाहे आप सेकंड हैंड एसेट्स खरीदो लेकिन आपके लिए तो नहीं है, तो खरीदते टाइम पे जो खर्चा करोगे, तो कोई भी खर्चा हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने सैलरी पेड किया, बिल्डिंग को खरीदा और यहाँ पे एक वर्कर को काम पे लगाया और अपने गार्ड को सैलरी पेड किया बिल्डिंग बनाने का, तो अब सैलरी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन खरीदने के ठीक 2 साल बाद, 2 ईयर के बाद फिर से मैंने क्या करा, मैंने फिर से रिपेयर करवाया, तो अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर बात समझ में नहीं आए, फिर से समझा दो। कोई भी एसेट्स खरीदोगे, एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खरीदते टाइम पे जो मर्जी खर्चा कर दो इस पे, सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। खरीदने के कुछ टाइम के बाद अगर कोई खर्चा करोगे और वो नॉर्मल एक्सपेंस है जिससे एसेट्स की कैपेसिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ सिलाई मशीन की, स्विंग मशीन की बात करते हैं। सिलाई मशीन खरीदा, खरीदते टाइम पे थोड़ा पेंट वेंट करवा के अच्छा से करवा दिया, तो सिलाई मशीन 10,000 का है, पेंट करवाया 2,000 का, तो कितना खर्चा हुआ? 12। तो पेंट भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, सिलाई मशीन, मेरा सिलाई मशीन का कीमत ही मैं 12,000 रुपये दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी बात, सिलाई मशीन के बाद बात करते हैं, मैंने सिलाई मशीन खरीदा 10,000 का और उस पे पेंट 2 साल बाद करवाया, तो अब मेरा जो 10,000 है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन 2 साल के बाद जो मैंने इसके ऊपर पेंट करवाया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में माना जाएगा, क्योंकि वो खरीदते टाइम पे नहीं किया गया, उसका बेनिफिट ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा सर ठीक है, ये भी समझ में आया। और एग्जाम्पल दो ना मुझे। अच्छा मैंने एक सिलाई मशीन खरीदा,
सिलाई मशीन 10,000 का खरीदा और 2 साल बाद उसमें एक मोटर लगवा दिया ऑटोमेटिक सिलाई मशीन चलने के लिए। तो ये जो सिलाई मशीन में जो मोटर लगाया है, ये मोटर आपका क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अच्छा क्यों सर, ये तो 2 साल बाद हो रहा है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों माना जाएगा? अगर किसी एसेट्स की कैपेसिटी इंक्रीज करते हो कोई खर्चा करके, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। अच्छा एक मकान खरीदा, इस मकान के ऊपर आपने एक और फ्लोर कंस्ट्रक्शन करवा दिया, जब एक फ्लोर और कंस्ट्रक्शन करवा दिया तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे आप उसी टाइम करवाओ चाहे 10 साल बाद, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं इस फ्लोर से भी इनकम कमा सकता हूँ और इस फ्लोर से भी इनकम कमा सकता हूँ। सर बात तो बहुत अच्छी बता रहे हो, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखो, मशीनरी खरीदा, मैंने एसी खरीदा था, एसी खरीदते टाइम पे मुझे वायर वायर सब लगवाना पड़ा, तो ये एसी खरीदते टाइम पे मैंने वायर वगैरह सब लगवाया, इंजीनियर ने क्या करा, इसको फिट वगैरह किया, एसी खरीदने के बाद सारी चीजें करा, तो एसी 50,000 का था और उसके ऊपर जो इंजीनियर आया वो 1,500 ले गया, वायर वायर 2,000 रुपए लग गए, तो टोटल मेरा एसी कितने का है बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। सर 50,000 और 1,500 इंजीनियर, 51,500 और 2,000 का खर्चा, तो आपका हो गया 51,52,53,500। तो जो बताओ इंजीनियर को मैंने पैसे दिए तो वो पैसा क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ सर बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये खरीदते टाइम पे किया जा रहा है इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा चलो बहुत अच्छे बच्चे, आपको समझ आ रहा है। अगला पॉइंट, मैंने एसी खरीदा, फिटिंग करा दिया, 43,500 रुपए का लग गया, 6 महीने बाद इसमें सर्विस करवाया और सर्विस करवाने के मैंने 2,000 रुपए दिए। अच्छा सर सर्विस करवाने के 2,000 रुपए दिए, तो वो खर्चा क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? नहीं, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद किया गया और सर्विस से आपकी कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ने वाली, जो पहले थी उतनी ही रहेगी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अच्छा सर और एग्जाम्पल दो। अब मुझे बताना, मैंने सेकंड हैंड एसी खरीदा, सेकंड हैंड एसी खरीदने के बाद मैंने सर्विस वाले को बुलवाया और उसको 2,000 देने पड़े, और सेकंड हैंड एसी खरीदते ही मैंने सर्विस करवा दिया उसमें, अब सर्विस चार्ज बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर ये खरीदते टाइम पे है तो इसलिए इसको क्या मानेंगे हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्या समझ में आई बात आपको? एसेट्स को खरीदते टाइम पे जो मर्जी खर्चा करो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सर एग्जाम्पल तो बिल्कुल आज जब तक आपके खून में नहीं मिल जाएगा, जब तक मैं आपको एग्जाम्पल देता रहूंगा। आपने लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपए का, एसेट्स है, कौन सा एक्सपेंडिचर है ये माना जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? आपने एसेट्स खरीदा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी इसके बाद जब आपने एसेट्स खरीदा, लैपटॉप खरीदा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, लैपटॉप के ऊपर आपने क्या करा? स्क्रीन गार्ड लगवाया लैपटॉप के ऊपर 100 रुपए का, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ सर खरीदते टाइम पे लगवाया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने एक माउस खरीद लिया, क्या सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सर खरीदते टाइम पे लगाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने कीबोर्ड खरीद लिया, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सर खरीदते टाइम पे लगाया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलो एग्जाम्पल चेंज करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपने क्या करा, कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर खरीदने के 2 महीने बाद स्क्रीन गार्ड लगवाया, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ बिल्कुल, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? हाँ सर, तो मैं आपको क्या बता रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल, मैं दोबारा लैपटॉप वाले एग्जाम्पल को लेता हूं। मैंने एक लैपटॉप खरीदा और खरीदते टाइम पे उस पर स्क्रीन गार्ड लगवाया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा क्योंकि खरीदते टाइम पे लगवाया गया। और माउस लिया खरीदते टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कीबोर्ड लिया खरीदते टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि खरीदते टाइम पे लगवाया गया है। सेम मैं बोलूं कि ठीक लैपटॉप खरीदने के 2 महीने बाद मैंने उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगवा लिया, तो अब वो स्क्रीन गार्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन 2 महीने बाद मैंने कीबोर्ड और माउस खरीदा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा 2 महीने बाद। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद जब आप खरीदोगे तो माउस और कीबोर्ड से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? सर होगी, तो इसलिए उसे हम
कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। सिंपल सी मैं बात भरूं तो जब कोई एसेट्स खरीदते हो तो खरीदते टाइम पे छोटा खर्चा हो या मोटा खर्चा हो, सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन खरीदने के बाद कोई छोटा मोटा खर्चा हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कोई बड़ा खर्चा हो तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर की लाइफ बताओ 1 साल से ज्यादातर समय तक चलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये 1 साल के अंदर अंदर होता है। चलिए एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किया जाता है एक्वायरिंग में या वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स में, इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सच एज अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज और इरेक्शन। इरेक्शन का मतलब होता है आपका कि जैसे कोई एसेट्स खरीदते हो तो उसके लिए जगह बनाना, एसी खरीदते हो तो उसके लिए स्पेस बनाना, स्टैंड बनाना, तो वो बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इज आ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, हेंस रिटर्न इन एसेट्स। इसका फायदा ज्यादा समय के लिए मिलेगा, इसलिए इसको रिटर्न कहाँ किया जाएगा, एसेट्स में किया जाएगा। यही सारी बात करी हमने। इसके बाद कुछ मैंने टेबलर फॉर्म में मीनिंग दे रखा है कि कैसे याद रखोगे, नहीं रखोगे। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यही एग्जाम्पल है, तो उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता है एनी एक्सपेंडिचर, किसी भी तरीके का खर्चा, द फुल बेनिफिट विच रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर या उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर मिल जाए आपको, इट्स टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज सच इस तरीके का ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया गया, डेबिटेड। ये साइड ना डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है, तो हम आगे देखेंगे कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। और इस तरीके का एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करता। जैसे मशीन में मैंने मोटर लगाया था, सिलाई मशीन में, तो वो ज्यादा शर्ट बना के देगा, लेकिन अगर रेंट मेरा है तो रेंट अगर मैं बढ़ा भी दूं पेमेंट करना, तो बच्चे तो उतने ही आएंगे क्लासरूम के अंदर, तो जो रेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन जो मोटर लगाया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बट ओनली हेल्प मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी, लेकिन ये जो पुराना हमारा अर्निंग का है उस कैपेसिटी को मेंटेन करके देखेगा रेंट देंगे तो। इट ऑल्सो डज नॉट ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एनी एसेट्स ड्यूरिंग द एंड्यूरिंग नेचर, कोई एसेट्स वगैरह नहीं बनाएगा ये। क्लियर? हाँ सर, दो बातें समझ में आ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। हाँ सर, ये समझा दो फिर एक्सपेंडिचर का सेक्शन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आज मैं आपको समझाऊंगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे, मैं आज समझाता हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए समझिएगा, मान लो आपको कुछ मैं बातें बताऊंगा, आप ध्यान रखना, मैं एक ऐसे जनरल बातें पूछ रहा हूं, सुनते रहना आप। बहुत पहले एक सर्फ का ऐड आया करता था और सर्फ का नाम था निरमा, मुझे अब भी याद है। दूरदर्शन पे उस टाइम जब भी हम कोई मूवी देखते थे तो उस टाइम पे उसका ऐड जरूर आया करता था, निरमा सर्फ का, और हर बार आया करता था, अभी भी याद है। एक और एडवर्टीजमेंट की बात करूं तो डाबर लाल दंत मंजन, जो आपका सॉरी डाबर लाल नहीं, कॉलगेट, कॉलगेट का भी तो आप पेस्ट तो सबने देखा होगा। पहले कॉलगेट का, अब पाउडर का नहीं पता, पाउडर आता या नहीं आता। सुनील सेठी उस टाइम पे ऐड किया करते थे, कॉलगेट को उसने हाथ में डाला और उसको हाथ से ही उसने क्या करा, ब्रश किया और फिर उससे अखरोट तोड़ के दिखाते थे ऐड में। बिल्कुल।
और ऐड की बात करूं तो एक पहले के टाइम पे मैंने देखा था, नमक की बात करूं तो एक नमक हुआ करता था जिसको पता होगा, कैप्टन कुक करके नमक होता था। अब तो टाटा नमक है, कैप्टन कुक। पहले टाटा नमक नहीं चलता था, हम हर कोई कैप्टन कुक नमक लेता था। इसी तरीके से डालडा बहुत पुराना ऐड है। तो बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट है जो कि पहले हुआ करते थे, वो कंपनी बंद हो गए, लेकिन आज भी अगर मेरे सामने वो कोलगेट का पाउडर आए, वो पाउडर के आने के बाद मैं बोलूंगा हाँ ये भाई पहले भी आता था, अब भी आता था, मैं उसको खरीदूंगा। मेरे सामने दो पाउडर थे, एक कोलगेट का, एक अलग से कोई पाउडर जिस कंपनी को मैं नहीं जानता। तो बताओ मैं किसको खरीदूंगा इसको? क्यों खरीदूंगा इसको? क्योंकि मैंने इसका एडवर्टीजमेंट देखा है, एक ब्रांड है, एक बहुत पहले से खरीदा है, ये मेरे माइंड में चल रहा है। सेम ऐसे एक वीको टर्मरिक, ये तो एकदम फेमस था, अब तो ऐड नहीं आता, खैर शायद आता भी हो क्योंकि मैं आज ज्यादा अब मीडिया से कनेक्टिव, टेलीविजन वगैरह से नहीं रहता, न्यूज वगैरह देखता हूं तो उस पर तो नहीं आता। खैर दूरदर्शन चैनल पे मूवी आता था, मूवी फ्राइडे फ्राइडे नहीं होता था मेरे, हाँ शायद फ्राइडे या सैटरडे संडे को नाइट को आता था, याद नहीं है, मेमोरेबल नहीं है परफेक्ट। तो उस रात में मूवी आता था 3 घंटे का, जिसमें कम से कम तो 1 घंटा मुझे यही ऐड दिखता था, वीको टर्मरिक। अब मेरे पास कोई ऐसा क्रीम हो, मैं कहीं यूएस में गया, मुझे दो क्रीम दिखे, एक क्रीम का नाम नहीं पता, एक वीको टर्मरिक, तो मैं कौन सा खरीदूंगा? या आप कौन सा खरीदोगे बताओ? सर वीको टर्मरिक खरीदेंगे बस। यानी आपने एक बात मुझे प्रूव कर दिया कि जो एडवर्टीजमेंट होता है उससे हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक छवि बन जाती है, और उस छवि को हम कभी भूलते नहीं, उसको हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखते हैं। हाँ बस यही। सेम ऐसे मान लो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक शर्ट लॉन्च किया, और इस शर्ट को लॉन्च करते टाइम पे मैंने एडवर्टीजमेंट करवाया, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? आपने इश्तेहार प्रचार करवाया, और जो एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया आपने, मैंने सलमान खान को लिया, सलमान खान, मैंने बोला भाई कर दो मेरा एडवर्टीजमेंट फ्री में कर दो, नहीं माना, 5 करोड़ रुपए लिए मेरे से एडवर्टीजमेंट का शर्ट। अब टीवी में ऐड आ रहा है लगातार 1 करोड़, और 4-5 करोड़ टेलीविजन वालों ने लिया, 10 करोड़ का ऐड किया, डेली डेली ऐड आ रहा है। अब कहीं भी हर जगह मैंने इसके शोरूम लगवाए, कैंपेन करवाए, करवाने के बाद जैसे ही गए, अरे ये अभी नई कंपनी आई है, सलमान खान ऐड करता है, ब्रांड है यार ये, बहुत बच्ची ब्रांड है, आपने खरीद लिया। मैंने ये 2010 में करवाया, आप सबने देखा एडवर्टीजमेंट हो रहा है, खर्चा कितना हुआ मेरा? 5 करोड़ का। लेकिन जैसे ही 2011 आया, मैंने एडवर्टीजमेंट बोला रहे यार एक बार करवा दिया बहुत हो गया, तो 2011 में बताओ मेरा सामान बिक रहा है, बिक रहा है। आपका एक दोस्त मिला, यार कौन सी कंपनी का शर्ट ले रहे हो? आप बोले यार तुझे पता नहीं पहले सलमान खान इतना ऐड करता था, ब्रांड एम्बेसडर है इसका, उसने ऐड किया था, तो अच्छी कंपनी के ले ले, बहुत बढ़िया रहता है शर्ट, आपने अपने दोस्त को दिला दिया, चलो ठीक है। यानी इस 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको 1 साल बाद भी मिला, 2011 में। 2015 हो गए, 2015 में आपने देखा आपके सामने 4-5 कंपनी की शर्ट रखी है, लेकिन सलमान खान वाले ऐड वाले का आपको याद है, तो फिर आपने ये शर्ट पांचों कंपनी में से किस वाले को चूज किया? जो मैंने अपने शर्ट को लॉन्च किया। यानी इस ऐड का बेनिफिट आपको 2015 में भी मिल रहा है, यहां तक असर है। अगर 2020 में भी जाएं तो इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, 21 में जाए तब भी हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो देखो ये खर्चा ऐसा खर्चा है जो कि किया तो आज है, लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता रहता है। तो ऐसे खर्चे को मान लो बिजनेस स्टार्ट किया तो सेल तो है नहीं, और मैं एक्सपेंस के अंदर दिखा दूं एडवर्टीजमेंट 5 करोड़ रुपए का, और सेल मेरा हुआ है सिर्फ 1 लाख रुपए का, तो मैं तो यहां पे देखूंगा 4 करोड़ 99 लाख रुपए का नुकसान है। 1 लाख का सेल है, 5 करोड़ का भाई एडवर्टीजमेंट कर दिया, क्या ये सच्चाई है?
ऐसे तो मेरे बिजनेस को देखने वाला बोलेगा अरे बेकार बिजनेस है, ये तो डूब जाएगा, लॉस पहले साल ही आ गया। तो गवर्नमेंट क्या कहता है, आपका लॉ क्या कहता है कि आप इस खर्चे को यहां मत दिखाओ, इस खर्चे को आप धीरे धीरे दिखाओ, यानी टुकड़ों में दिखाओ। तो टुकड़ों में दिखाओगे तो कम दिखाओगे, मान लो बोलती है गवर्नमेंट 5 साल में दिखाओ, तो पहले मैं दिखाऊंगा 1 करोड़, तो कम हुआ कुछ लॉस, अगले साल फिर दिखाऊंगा 1 करोड़, फिर अगले साल दिखाऊंगा 1 करोड़, ऐसे कितने साल तक दिखाऊंगा मैं, 5 सालों को। तो खर्चे को देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 साल से दूसरे साल में टाल रहा हूं। तो डेफर्ट का मतलब क्या होता है, डेफर्ट का मतलब होता है टालना। तो डेफर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो खर्च तो आज करते हैं लेकिन जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है, इसको बोलते हैं हम डेफर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मली गवर्नमेंट कहता है 3 से 5 साल, 3 से 7 साल में इसको राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करने का मतलब 5 करोड़ में से आप पूरे 5 करोड़ मत दिखाओ, 1 करोड़ दिखाओ, तो बाकी का 4 करोड़ एसेट्स में दिखाओ, क्योंकि आपने एडवांस में खर्चा करा है, एडवांस खर्चा प्रीपेड याद है ना, तो एडवांस में किया तो एसेट्स में दिखाओ। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो बोल सकते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टीजमेंट, बोल सकते हो आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के जो खर्चे होते हैं ना, जिसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं, वो भी बोला जा सकता है, लेकिन आप एडवर्टीजमेंट याद रखो, यही एग्जाम्पल बहुत है। पढ़ते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझ में आई बात आपको। कहता है दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर, होता रेवेन्यू नेचर का है, बट द बेनिफिट विच लाइकली टू बी डाइवर्ट ओवर नंबर ऑफ ईयर, लेकिन इसका फायदा हमें लंबे सालों तक बांट दिया जाता है। डाइवर्ट का मतलब बांटना, ओवर द नंबर ऑफ ईयर कई सालों तक, सच एक्सपेंडिचर टर्म्ड एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। दस एक्स द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर लास्ट 3 to 7 ईयर, एज सच द होल ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इस साइड को क्या बोलते हैं, अभी मिट गया वो, दिमाग से निकल गया, जो हमने अभी फॉर्मेट बनाया था उसको क्या बोलते हैं हम, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में इसको दिखाया जाता है अकाउंट एंड करंट ईयर, बट सेपरेट ओवर द ईयर फॉर विच बेनिफिट लाइकली टू लास्ट, और उसे हर साल में दिखाते जाएंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल है आपका, सिंपली देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट लिख सकते हो एग्जाम्पल में, और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एक्सपेंडिचर मुझे बताइए, रेवेन्यू मैं पूछूंगा, सैलरी पेड किसका एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी के बाद मशीनरी खरीदा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट किया न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक बार आपने नोट कर लिया, नोट करिए इसको, फिर हम देखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट। कर लिया नोट, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे, बस बेसिक टर्म्स लगभग लगभग खत्म, अब हम देखेंगे, अब प्रैक्टिकल भी कुछ करेंगे ना। चलिए हम एसेट्स को देखते हैं, एसेट्स क्या होता है, ये कितने क्लासिफिकेशन होते हैं इसके, एसेट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखो एसेट्स दो तरीके का होता है बेसिकली, एक होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स और इसको हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। नॉन करंट एसेट एक होता है हमारा करंट एसेट्स, करंट एसेट। ठीक है, तो एसेट्स क्या होता है, संपत्ति। एसेट्स की बात करें, संपत्ति अपने घर की संपत्ति नहीं, बिजनेस के अंदर क्या क्या संपत्ति है, जो बिजनेस के पास है उसका खुद का, किसी को नहीं देना, वो उसका एसेट्स है। घर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना आपको, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है सर,
बिल्कुल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स, ये वो एसेट्स होता है विच एसेट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू कैश, जिसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता विद इन 1 ईयर, इसका डेफिनेशन है। तो सर करंट एसेट्स, बिल्कुल वाइस वर्सा, विच कैन बी कन्वर्ट, विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। सर आपने लिख तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है ये बताओ बस एक बार। बस बहुत आसान सा मीनिंग है, फटाफट से आप इधर देखो और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना आपको, बहुत इजी मीनिंग है, एक बार देख लो आप, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं बिजनेस में जिसका हम बेचना उद्देश्य नहीं होता, उसे लंबे समय के लिए रखते हैं तो उसे हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं, और कुछ एसेट्स ऐसा होता है जिसको लंबे समय के लिए नहीं रखते, कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो करंट एसेट्स बोलते हैं। सर एग्जांपल, जैसे देखो डेटर, पैसा लेना है, याद होगा मैंने ब्रैकेट में एसेट्स लिखा था, तो डेटर से जब किसी को उधार माल बेचते हैं तो कैश हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा, 1 साल से पहले मिल जाएगा, तो वो किसका पार्ट होगा, करंट एसेट्स का, कैश का बैलेंस, मेरे बैंक में कैश का बैलेंस है, एसेट्स है तो ऑलरेडी कैश में ही है, किसका पार्ट होगा, करंट एसेट्स का। स्टॉक का बैलेंस, मेरे पास गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है तो क्या उसे कैश में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल, जैसे कस्टमर आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैश में, तो किसका पार्ट होगा वो, करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस, उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वैसे वैसे तो नहीं होता जनरली, लेकिन किया जा सकता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी किसका पार्ट होगा, हमारा हमारा किसका पार्ट होगा, करंट एसेट्स का। तो सर फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल दो, मशीनरी खरीदा, क्या 1 साल में बेचना हमारा पर्पस होगा, नहीं, तो फिक्स एसेट्स। मेरा प्रोजेक्टर है, क्या 1 साल में बेचना होगा, नहीं, फिक्स एसेट्स। मेरा जो मेरे डेस्क है, टेबल है, चेयर है, क्या इसको बेचना उद्देश्य होगा, नहीं होगा, तो ये क्या है हमारा, फिक्स एसेट्स। मेरा फैन है, एसी है, क्या मैं 1 साल में बेच दूंगा, नहीं बेचूंगा, तो फिक्स एसेट्स। तो एसेट्स हमारे दो टाइप के हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, इसको नॉन करंट एसेट्स से भी जानते हैं। अब फिक्स एसेट्स के अंदर दो पार्ट है, फिक्स एसेट्स के अंदर दो पार्ट है, सर फिक्स एसेट्स में भी दो पार्ट, हाँ जी, फिक्स एसेट्स में दो पार्ट है, एक है हमारा टेंजिबल, एक है हमारा इनटेंजिबल। सर अब ये टेंजिबल और दोनों है तो फिक्स एसेट्स, लेकिन क्या फर्क है देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स जो होता है हमारा, विच कैन बी सी, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये ऐसे एसेट्स हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सिंपल वर्ड में बोलूं तो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो विच कैन नॉट कैन नॉट सी एंड टच, विच कैन नॉट सी एंड हुआ जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है, उसे बोलेंगे इनटेंजिबल। ये तो परिभाषा, सर एग्जाम्पल भी दो ना,
एग्जाम्पल तो ज्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल, मशीनरी। क्या मशीनरी आपने देखा है? बिल्कुल सर, मशीनरी देखा है, छुआ भी है। बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग देखा है? बिल्कुल सर। फर्नीचर। क्या फर्नीचर देखा है? सर फर्नीचर भी देखा है, छुआ है, ये भी फिक्स एसेट है। नंबर 4, कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर देखा है? बिल्कुल देखा है। नंबर 5, कंप्यूटर के बाद और क्या हो सकता है? मोटर कार। मोटर कार ये भी देखा है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं, एक मैं क्लास स्पेशल लूंगा जिसमें सारे एसेट्स के मैं लिस्ट लिखवाऊंगा, तो आप चिंता ना करें। इंटेंजिबल एसेट्स, ये वो एसेट्स। सर ये नई वर्ड आ गया, गुडविल क्या होता है? देखो, गुडविल बेसिकली किसी का रेपुटेशन होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी ब्रांड के सामान को यूज करते हो या किसी पॉपुलर सामान को यूज करते हो, तो नो डाउट उसकी क्वालिटी ठीक होती है, लेकिन क्या उस क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट जस्टिफाई होता है? आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि कहीं ना कहीं क्वालिटी ठीक तो दे रहा है, लेकिन रेट कहीं उससे ज्यादा ले रहा है। तो किस चीज के पैसे ज्यादा ले रहा है? अपने नाम के, शोरूम के। तो जो नाम के पैसे ज्यादा ले रहा है वो गुडविल है। हिंदी में इसको ख्याति बोलते हैं। तो गुडविल का मतलब होता है जब किसी बिजनेस का एक रेपुटेशन बन जाता है मार्केट में, तो हम अकाउंटिंग बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं इसका मार्केट में गुडविल है। सेम ऐसे आपने देखा होगा, अगर मुझे कोई बीकानेर या फिर मुझे कोई ऐसा शॉप ओपन करना है जो पहले से पॉपुलर हो, तो मुझे उसका फ्रेंचाइजी लेना पड़ता है। आपने देखा होगा रिबोक का शोरूम है, आपने देखा होगा केएफसी है, आपने देखा होगा बिग बाजार हो, तो कुछ तो कंपनी के अपने आउटलेट है। आपने एप्पल का देखा होगा, मोबाइल फोन का, तो ये सारे हम फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो फ्रेंचाइजी जब लेते हैं तो हमें अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी को देना पड़ता है। कंपनी को क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हमने फ्रेंचाइजी ली है और कंपनी को कहीं ना कहीं उसके नाम से हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो मेरा फायदा कंपनी की वजह से हो रहा है, तो कुछ हिस्सा हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्राई की बात करूं, फर्स्ट क्राई बच्चों का क्लॉथ बेचता है, तो उससे मैंने फ्रेंचाइजी की बात करी कि फ्रेंचाइजी तो 20 या 25 लाख रुपए बोले आप मुझे दो, उसमें हम आपका सारा डेकोरेशन वगैरह करेंगे, लैंड आपका होगा और वो चार्जेस हमारे रहेंगे, तो फ्रेंचाइजी। तो सेम उसका वो क्या है? गुडविल, अपने गुडविल। गुडविल के बाद नंबर 2, पेटेंट। पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब, मान लो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट इनोवेट किया, कोई ऐसा बनाया जो कहीं है ही नहीं मार्केट में। सपोज करो आपने पानी से चलने वाली कार बना दी, तो अगर एक बार आप कार बेच दोगे वो, तो आपको पता ही है इंडिया के अंदर उसको फटाफट से खोल खाल के देख के फटाफट से क्या करेंगे, नए प्रोडक्ट को बना देंगे वो, सेम वैसा ही। लेकिन माइंड तो सबसे पहले आपका लगाना, तो आप क्या करोगे? जो आपका थ्योरी है, जो आपका स्ट्रेटेजी है, जो आपको बनाने का तरीका है, उसको आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो वो कहलाएगा हमारा पेटेंट। मान लो आपने पास फंड नहीं है, तो मारुति कंपनी बोलेगी ये फॉर्मूला मुझे दे दो, हम आपको 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो मारुति कंपनी जो फॉर्मूला खरीदने का दे रहा है, तो आप अपना पेटेंट बेच रहे हो, तो पेटेंट भी क्या है? एक तरीके से एसेट्स। तो फॉर्मूले को आप छू थोड़ी सकते हो, नॉर्मल वो इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है समझ में। थर्ड पॉइंट, रूट परमिट। रूट परमिट या फिर थर्ड पॉइंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपने देखा होगा नाइकी, जैसे कि मैं ट्रेडमार्क की बात करूं, तो ऐसे अगर मैं सिंबल दूं तो आप बोलोगे सर ये नाइकी का सिंबल है। सेम ऐसे एडिडास का अपना सिंबल है, रिलायंस का कई बार देखोगे तो रिलायंस ऐसे करके बना के रखता है, एयरटेल का अपना सिंबल है, तो हर किसी का अपना अपना सिंबल है। तो
ट्रेडमार्क क्या होता है, बेसिकली जो लोगो या कोई सिंबल होता है ना, उस सिंबल की भी वैल्यू होती है। अगर आप उसको यूज नहीं कर सकते, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आपने राइट का सिंबल डाल दिया, तो नाइकी कंपनी आप पे ऊपर क्लेम कर सकता है कि हमारा कहीं ना कहीं इसकी वजह से सेल अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि कई पर्सन ऐसे हैं जो सिंबल देख के बोलते हैं, अरे ये तो नाइकी का ब्रांड है, या एडिडास का ब्रांड है, या प्यूमा का ब्रांड है। तो इस तरीके से तो सिंबल भी आपका एक तरीके से एसेट्स है, जो कि क्या माना जाता है आपका, ट्रेडमार्क, और वो इंटेंजिबल एसेट्स के कैटेगरी में माना जाएगा। कौन सा एसेट्स? इंटेंजिबल। नंबर 4, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, जैसे कि एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, ये सब भी तो हमारे एसेट्स ही है। अगर मैं अपने एक एप्लीकेशन को डेवलप करवाता हूँ ऑनलाइन सिस्टम के लिए, जिसपे आप देखो वीडियो देख भी रहे होगे ऑनलाइन सिस्टम पे, तो ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो हम देख भी नहीं सकते, लेकिन मेरे लिए तो एसेट्स है। मैं किसी को ये सॉफ्टवेयर बेचूंगा, या मुझे भी तो किसी ने बेचा होगा, तो पैसे तो दिए हैं, तो उसके लिए क्या था? एसेट्स। तो इसे हम इंटेंजिबल, और बाकी बहुत सारे लिस्ट हम देखेंगे एक्सेट्रा। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली मैं इसे एसेट्स ना बोल के मैं टाइप ऑफ एसेट्स बोल सकता हूं, इसे टाइप ऑफ एसेट्स। एसेट्स का मतलब संपत्ति। तो टाइप ऑफ एसेट्स की मैं बात करूं तो एक फिक्स एसेट्स होता है, उसको नॉन करेंट एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको एक साल में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये दो तरीके का होता है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। सर टेंजिबल क्या है? जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। सर इनटेंजिबल क्या है? जिसको ना छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। टेंजिबल के एग्जाम्पल, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर कार। इनटेंजिबल के गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो आपको याद रखना है ये चीजें। अगर मैं बोलूं भाई गुडविल बताओ किसका एग्जाम्पल है, बोलोगे सर इनटेंजिबल एसेट्स है। लेकिन बताओ फिक्स है या करंट है? सर फिक्स एसेट्स। इस तरीके से आपको आंसर देना होगा। तो सर करंट एसेट्स जो कि इसमें कोई दो पार्ट नहीं है, इसमें सिंपल है, मैं इसके एग्जांपल लिख रहा हूं करंट एसेट्स के। पॉइंट नंबर 1, जैसे कैश का बैलेंस, वो तो ऑलरेडी कैश में है, कैश का या बैंक का बैलेंस। नंबर 2, स्टॉक का बैलेंस। नंबर 3, आपका डेटर, अब तो आपको पता होगा डेटर। नंबर 4, प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस। नंबर 5, और बिल रिसीवेबल करवाया था, याद है डेटर का ही दूसरा नाम। नंबर 6, और क्या होता है सर? और क्या होता है? इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन मिला नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट। तो आपको याद होगा सबके ब्रैकेट में लिख रहा था, इसीलिए तो लिख रहा था आपको याद रहे। तो ये हमारा एसेट है। तो आप ध्यान से देखिए, तो हमारे बिजनेस में एसेट्स दो तरीके के हैं, एक फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, या फिर करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको एक साल में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये दो तरीके का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कौन सा एसेट्स होता है? टेंजिबल। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स हमारा वो एसेट्स है जिसको ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लगता है इनटेंजिबल पे, वो हमारा लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। बस याद रखना है, हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर देखेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, मेरा प्रोजेक्टर बताओ कौन सा एसेट्स है? सोचो। सर आपका प्रोजेक्टर तो फिक्स एसेट्स है। बिल्कुल। टेंजिबल या इनटेंजिबल? सर ये टेंजिबल है, इसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलो मेरे पॉकेट में कैश पड़ा है। सर कैश पड़ा है, ये भी आपकी एसेट्स है। कौन सा, फिक्स या करंट? सर ये तो कैश में कन्वर्ट किया, कैश के बराबर ही है, तो ये कौन सा एसेट्स माना जाएगा? आपका करंट एसेट्स माना जाएगा। तो आपको समझ में आया कि हमारा एक फिक्स होता है, एक करंट होता है। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं, और इसके अंदर एक ना फिक्टीशियस एसेट्स भी होता है। तो फिक्टीशियस एसेट्स को भी मैं चलो लिख ही देता हूँ। कहाँ लिखें फिक्टीशियस एसेट्स? चलो इसके बाद में लिख दूंगा फिक्टीशियस एसेट्स, मैं समझा देता हूँ पहले। देखो वो एसेट्स जो कि हमारा होता तो है, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता हमें।
जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट, मैंने बोला था ना एडवर्टीजमेंट कुछ पार्ट तो अभी दिखा दो और कुछ पार्ट एसेट्स में, तो क्या वो सच में एसेट्स है? नहीं सर, वो तो बस दिखा रहे हो ताकि आप उसकी एंट्री कर पाओ, तो वो हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। बाकी चलो हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, तो बस जो चीज आपको पता है पहले उस चीज की हम बात कर लेते हैं। तो एसेट्स के डेफिनेशन की तरफ चले, तो देखो एसेट्स आपको मिलेगा डेफिनेशन, कहता है कि एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट विच द ओन्ड और कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल। एसेट्स वो होता है जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है और जिसपे कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या उसके ऑनर का होता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग कैटेगरी, सबसे पहले फिक्स एसेट्स, कहता है फिक्स एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स विच हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होगा जिसको रखा गया है कंटिन्यू यूज करने के लिए इन द बिजनेस के अंदर, फॉर द पर्पस प्रोड्यूसिंग गुड्स, किस लिए? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और सर्विसेज एंड नॉट मेट फॉर रीसेल, और सर्विस देने के लिए, इसको बेचना उद्देश्य नहीं है। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर। ठीक है, क्लियर है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच मीन सेल विच मैनेजमेंट वुड वॉन्ट टू कन्वर्ट विद इन अ 1 ईयर। करंट एसेट्स वो होता है जिसको सेल करके कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में 1 साल के अंदर अंदर, और एज आर दीज एसेट्स ऑल्सो टर्म्स एज अ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी एसेट्स। इसको शॉर्ट टर्म एक्टिविटी भी एसेट्स कहते हैं और शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कह सकते हो। और भी क्या होता है, एक मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आ सकता है इसमें, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, जब नोट करने में बोलता हूं तो आप लिख लेना कि मार्केटेबल सिक्योरिटी भी होता है। कई बार मैं बताते बताते कई बार माइंड से बातें स्किप हो जाती है, तो मैं बता देता हूं जैसे जैसे याद आता है, तो लिख लेना। इसमें एग्जाम्पल है डेटर एक्सपेक्ट टू कन्वर्ट विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड, तो ये करंट एसेट्स का है। इसके बाद टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स का डेफिनेशन दिया इसने, तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच इन वर्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस। अदर वर्ड में कहें तो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन नॉट सी और फील, जिसे फील भी नहीं किया जा सकता और छुआ भी नहीं जा सकता। फील करने का मतलब मशीन में उंगली डालो और आपकी उंगली खत्म, तो फील हो जाएगा आपको, उसकी चिंता मत करो। एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट्स आर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, और यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस ना नोट्स में गलत है थोड़ा सा, मैं स्प्रिंट है, मैं इसे ठीक करके दूंगा, तो बस ट्रेडमार्क तक रहेगा। लिक्विड एसेट्स, सर लिक्विड एसेट्स क्या हो गया, और क्या है सर, और फिक्टिशियस एसेट्स भी है। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड का मतलब होता है पानी। इस एसेट्स में से सबसे तेजी में कौन सा एसेट्स है जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकता है? तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन से एसेट्स कैश में कन्वर्ट नहीं होते। अरे ये काला मार्क, ब्लैक मार्कर आ गया, रेड मार्कर यूज करते हैं। एक स्टॉक आपने देखा होगा कई दुकानदार पे, तो स्टॉक क्या होता है, पड़े पड़े सालों हो जाते हैं लेकिन उस पर एक्सपायरी डेट भी आता है, तो वो कैश में कन्वर्ट जनरली नहीं होता। और एक हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी एडजस्टेबल होता है। तो लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट किया जाता है। इसमें स्टॉक और प्रीपेड को छोड़कर बाकी बचे हुए जितने एसेट्स हैं उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड एसेट्स बोलेंगे। समझ में आई बात आपको? चलो आ गई समझ में, चलो मैं बताता हूं फिर आपको। कहता है लिक्विड एसेट्स दोस एसेट्स विच आर अर्लियर इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश, या तो वो कैश के फॉर्म में है या कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, सच एज कैश, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, एक्रूड इनकम। इन अदर वर्ड, इफ प्रीपेड एक्सपेंट एंड क्लोजिंग स्टॉक आर एक्सक्लूड फ्रॉम करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस एक्सक्लूड कर दोगे तो बैलेंस बचा हुआ क्या कहा जाएगा, लिक्विड एसेट। समझ में आया? दोबारा सुनो, अगर करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को हटा दे तो बाकी के एसेट्स जो बचेंगे वो कौन से एसेट्स बचेंगे, लिक्विड एसेट्स। सर ऐसे तो नहीं मजा आ रहा,
चलो मान लो ये 100 रुपए हैं, ये 200 रुपए हैं, ये 300 रुपए हैं, ये 100 रुपए हैं, ये 200 रुपए हैं, ये 100 रुपए। बताओ करंट एसेट। सर करंट एसेट्स बड़ा आसान है, 300, 600 और एक 700, दो 900 और एक 1000 रुपए का हमारा करंट एसेट्स है। चलिए सर क्विक लिक्विड एसेट्स बता दो। तो लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स इसके बहुत सारे नाम है। इसको हम बोलते हैं एसिड एसिड्स, एसिड एसिड्स। इसको हम बोलते हैं क्विक एसिड्स, क्विक एसिड। नाम नहीं भूलना आपने, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। अब इसको निकाल के दिखाते हैं। सर हाँ सर बताइए, इन दोनों को छोड़ दो, यानी ये लेंगे 100, इसको तो लेंगे ही नहीं, 300, एक 400, दो 600 और एक 700, तो ये आ गया हमारा 700 रुपए लिक्विड एसेट। समझ में आया आपको? चलिए अब फटाफट नोट करिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे देखेंगे इसके बाद। तो एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी एकदम से नोट करिए। नोट करने का मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, अच्छे से साफ साफ। जो समझ में नहीं आता वो आप पूछ भी सकते हैं क्वेरी सेक्शन में जाके। और आप इसके अंदर, मैंने सारी चीजें वैसे तो समझा दी है, बाकी जो चीजें समझ में नहीं आएगा उसको क्वेरी सेक्शन में पूछिए। और मैं एक बार और इस पर डिस्कस करूंगा, आज खत्म नहीं होने वाला। जब तक ये आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं आएगा तो मैं इसको खत्म नहीं करूंगा, चाहे टाइम कितना लग जाए उसकी कोई परवाह नहीं है। आप नोट करिए फटाफट से। जल्दी जल्दी नोट करिए।
कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे अब। मिटा दे।